उसे जमीन निगल गई, आसमां खा गया। एक महिला अपने घर से अस्पताल जाने के लिए निकली, पर वह वापस अपने घर नहीं लौट पाई। आखिर वह कहां चली गई? क्या हुआ उसके साथ? क्या वह किसी हादसे का शिकार बन गई, या किसी के कैद में पहुंच गई, या उसे मौत के घाट उतार दिया गया? बहुत से अनुत्तरित सवाल हैं, और उन सवालों का जवाब तब मिल सकता है या तो गायब हुई महिला लौट आए, या कोई सुराग पुलिस के हाथ लगे। पर आज 23 दिन हो गए हैं घर से निकली महिला वापस अपने घर नहीं लौट पाई। जानता हूं आपके दिमाग में यह सवाल कौन रहा होगा कि गुमशुदा महिला कौन थी और कहां के रहने वाली थी। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के कोकण में स्थित मुरुड जजीरा गांव में। इस गांव में एक छोटा सा नांदगांव है जहां यह घटना घटी है। मुरुड हम हकीकत जानने जब पहुंचे, तब गायब हुई महिला की हकीकत जानने का प्रयास किए। सबसे पहले हम गुम हुई महिला के पति से बात किए, क्योंकि शक की सुई उनकी ओर घूम रही थी कि कहीं उसने ही अपने पत्नी को रास्ते से तो नहीं हटा दिया। पर बात करने के बाद यह बात साफ हुई कि वह गायब है, पर वह कहां गई इस बात की कोई पुख्ता जानकारी उसके पति को भी नहीं है। आप भी सुने कि महिला के पति ने क्या बताया। मकबूल जी, जिस तरह की जानकारी मिली है कि आपकी जो पत्नी है वो लापता हो गई है, क्या ये बताएं मुझे कि आपके घर में कुछ किसी तरह की झगड़े वगैरह चल रहे थे, कोई विवाद चल रहा था किसी बात को लेके? कोई चीज़ से नहीं, उसके मायके वाले से जाके आप ये चीज़ पूछ सकते हैं जी। क्या हमारे बीच में कभी ना झगड़े थे? 7 साल में कभी मैं उसको उफ करके, यानी उसने भी मेरे को कभी झगड़े में कुछ, कभी कुछ नहीं हुआ हम लोग के बीच जी। तो ये जानना चाहेंगे ऐसी क्या बात हो गई कि वो अपने घर से निकल कर गई और उसके बाद फिर लौट कर नहीं आई? सर वो ऊपर वाला जानता है, मैं इतना कहूँगा वो डॉक्टर का बोल के गई है जी। हम अभी तक इंतजार करें कि कब न कब उसके हम लोग को खबर आया, हम उस तक पहुँचे। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा, कुछ आशंका क्या है आपके मन में? सर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा दिल अभी तक कहता कि है कहीं पे भी जिंदा है, बस वो लौट के आएगी ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है मुझे। क्या उम्र होगी उनकी? 31 एज है उनकी। अगर शिक्षा की बात की जाए तो पढ़ी लिखी है वो? नहीं सर, 7वीं है। अच्छा 7वीं है। उनका मई का कहाँ है, मतलब माँ का घर कहाँ है? यहाँ पर माँ का घर यूर में है, यहाँ से 4 किलोमीटर पे। अच्छा, तो उससे बच्चे हैं पहले आपको? हाँ उससे बच्चे, मेरे को 2 बच्चे हैं उससे। 2 बच्चे हैं। तो ये आपकी पहली पत्नी है या दूसरी है? दूसरी पत्नी है, पहले से 3 मेरे को बच्चे हैं जी, और 2 बच्चे हैं उसके से, लेकिन वो भी बच्चे, तीनों भी बच्चे उसको संभालती थी। अच्छा, क्या करते हैं आप, क्या पैसा क्या है आपका? मैं बोट चलाता हूँ। आप बोट चलाते हैं जी सर। किसी तरह की आर्थिक तंगी थी घर में जिसमें कुछ? नहीं नहीं सर, कोई आर्थिक तंगी का भी नहीं था? भी नहीं, कोई भी मसला नहीं। कुल मिलाकर आपके घर में कितने लोग रहते हैं? 5 बच्चे, 1 फुप्पी है, 6 और मैं और मेरी बीवी। तो आपके वालिद और वालदैन? एक्चुअली वो मानकोट में रहते हैं। मानकोट? हाँ, फुप्पी का औलाद नहीं है इसके कारण मेरे को उनने गोद लिया हुआ। अच्छा, और उनके शोहर भी डेट हो चुके हैं। पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है आपने? जी सर किया हुआ। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसमें आप हम कुछ ये नहीं कर सकते। उसके बाद हमने नांदगांव के समाज सेवक से भी जानकारी लेने पहुंचे, जिन्होंने मुरुड पुलिस थाने में महिला के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाए थे। सुना उनका क्या कहना था। मेरा नाम नौशाद शाबान है, रायगढ़ मुरुड जंजीरा के नांदगांव गांव में रहता हूँ, मैं सोशल एक्टिविटीज में हूँ जी। सर नौशाद जी, ये बताएं कि जिस तरह से इनकी पत्नी गायब हो गई है, जिस तरह की जानकारी मिली कि शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप साथ में गए थे, क्या लगता है ये पारिवारिक कलह की वजह से चली गई है या कोई हादसा है? क्या लिखा है आपने कंप्लेंट में? कंप्लेंट में हमने ये लिखा है कि वो घर पे, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सैटरडे को उसका मिसकैरेज हो गया था जी। और मंडे को यहाँ का जो PHC है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जी, वहाँ पे वो डॉक्टर के पास जा रही थी, घर से निकली। घर से निकलने के बाद वो यहाँ से मेरे घर से भी जब भी पास हुई है तो कैमरे में है, फिर हमारे ग्राम पंचायत का कैमरा है उसमें है, लेकिन वो हॉस्पिटल की तरह नहीं जाते हुए जी, वो दूसरी तरफ जो रोड मुंबई के लिए जाता है, अलीबाग के लिए, उस तरफ मुड़ी है जी। और आगे जाने के बाद कहाँ गई, क्या गई, इसका कुछ पता नहीं। आपके मन में क्या आशंका पैदा हो रही है, क्या लग रहा है आपको? कुछ पता नहीं कि वो मतलब अभी यहाँ पे तो टूरिस्ट भी आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, कुछ हादसा होते हैं, तो अभी हमको ऐसा कोई मतलब यहाँ से कोई ये नहीं कि पुलिस में केस हमने दर्ज कराई है जी। सेम नाइट जाके हमने मिसिंग की केस डाली, फिर फोटो भी हर जगह उन्होंने हर पुलिस स्टेशन को सर्कुलेट किया है, तमाम न्यूज़पेपर में भी दिया है उन्होंने, लेकिन अभी उसके साथ कोई हादसा हुआ है, क्या हुआ है, ये अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली है। आपका आत्मा क्या, आपका मन क्या बोल रहा है, क्या लगता है? ये कह रहा है कि वो है, बच्चे है, अगर अच्छी है कहीं पे, उसको ईश्वर अच्छा रखे और वो अपने बच्चों के पास वापस आए। यह तस्वीर देखें जो लापता महिला की है
और यह नजारा महिला के इलाके का है जिसमें महिला जाती हुई नजर आ रही है, पर लौटने का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। आपको बता दें कि लापता महिला के खुद के दो बच्चे हैं और उनकी सौतन की तीन बच्चे को भी वो संभाल रही है, पर 23 दिन गुजरने के बाद भी वह घर वापस नहीं लौटी। जब इस विषय पर हम मुरुड पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात किए तब उनका कहना था कि हमने तमाम प्रयास किए हैं पर अब तक नतीजा सिफर रहा है। हम अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि गुमशुदा महिला कहां गई है और क्या ऐसी घटना घटी कि वह लापता हो गई। पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जनता से भी अपील किए हैं कि किसी को इस महिला के विषय में कोई जानकारी हो तो नजदीकी पुलिस थाने में इस बात की इत्तला करें, या कोई व्यक्ति सुराग देना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि उनका नाम गुप्त रखा जाए, उनका पहचान गुप्त रखा जाए, तो गुप्त रखा जाएगा, वह बेखौफ होकर इस महिला की जानकारी पुलिस को दे। सुने पुलिस अधिकारी ने क्या बताया। अच्छा, हमारे 3 जनवरी को लगभग 60 उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की थी कि उनकी बीवी घर से लापता हो गई। तो हिसाब से हमने उनकी रजिस्टर की, उनकी कंप्लेंट रजिस्टर की, बाद में आपने जो जो पूछा है वो सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उसमें हमने जो हमारे आजू बाजू के पुलिस में उनमें सब इन्फॉर्मेशन दे दिए, मिसिंग पर्सन जो है उनको भेजे, वायरलेस मैसेज किए हैं, और उनके जो आजू बाजू के उसके रिलेटिव्स थे, आजू बाजू के नेबर्स हैं, उनसे भी बातचीत की, तो जैसे जैसे उनको मालूम गिर रहे वो हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि वो औरत को जल्दी से जल्दी उसके घर तक पहुँचाया जाए, उसके फैमिली के उसको सुखरूप उसको घर में पहुँचा दिया जाए। हम जनता से ये अपील करना चाहेंगे, अगर इस हुलिया की और इस वर्णन की महिला अगर आपको दिखाई दी तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम मुझे कांटेक्ट कीजिए, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वो कांटेक्ट करके वो औरत के बारे में पहुँचा दें, ताकि हमारे पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस बोले, रायगढ़ पुलिस बोले, ये बहुत ही प्रॉन्ट पुलिस है, बहुत ही झट से रिस्पॉन्स देते हैं, और हम जल्दी से जल्दी उसको ढूंढ निकालेंगे और उसके घर तक पहुँचा देंगे। लापता महिला के बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। आपका थोड़ा सा सहयोग बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। खबर लिखे जाने तक गुमशुदा महिला की कोई जानकारी नहीं है, पर इतना तय है कि लापता महिला के साथ कुछ अनहोनी घटना घटी है जिसकी वजह से वो अपने घर नहीं लौट पाई। हम भी जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि अगर यह महिला दिखे तो पुलिस से अवश्य संपर्क करें, ताकि राज से पर्दा उठ सके और छोटे बच्चे को उसकी माँ मिल जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिलहाल मैं रायगढ़ के मुरुड जजीरा पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर नए साल की बात है, 3 जनवरी को एक महिला लापता हो गई थी। लगभग 20 दिन गुजर जाने के बाद भी आज तक वो महिला नहीं मिली है। हालांकि मुरुड जजीरा की जो पुलिस है वो पूरी तरह से तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि लापता महिला कब तक पुलिस के गिरफ्त में पहुंचती है, कब तक खोज पाते हैं पुलिस उसको, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर उस महिला के गुमशुदगी के पीछे वजह क्या थी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ गोपाल शाह, ग्राउंड सर्वे न्यूज, मुरुड जजीरा। दोस्तों, ग्राउंड सर्वे न्यूज समाज की जमीनी हकीकत जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई हकीकत साझा करना चाहते हैं, किसी की हक की आवाज बनना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया खबर आप तक पहुंच सके।